दीवाल की दुर्दशा आप देख रहे हैं और गाड़ी की खच्चे जो है वो यहाँ पर उड़ चुके हैं। अथाल के स्वामीनारायण मंदिर परिसर में टकराई कंटेनर, गाड़ी के उड़े पर खच्चे, मेन रोड होने के नाते लोगों का लग रहा है हुजूम। नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नरोली की तरफ से सिलवासा की तरफ जा रही कंटेनर संख्या DN09Q9927 टकराई स्वामीनारायण मंदिर के बाउंड्री वॉल से। गाड़ी में रेती भरी हुई थी जो कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जा रहा होगा। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि चालक काफी तीव्र गति में होगा, जिसके चलते इतनी मोटी दीवार से टकराने पूर्व लोहे के रॉड से टकराई, फिर सड़क किनारे लगाए गए वृक्ष से और फिर दीवार से। दीवार टूटने से मंदिर प्रशासन का भी अच्छा खासा नुकसान कहीं ना कहीं हुआ ही होगा। सिविल अस्पताल से जब हमने जानकारी निकालने की कोशिश की तो पता चला दुर्घटनाग्रस्त चालक को किसी अन्य अस्पताल ले जाया गया है, क्योंकि किसी ऐसे मामले से संबंधित लोगों को अस्पताल में नहीं लाया गया है। देखिए ग्राउंड जीरो से हेमंत मिश्रा के साथ यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि जिस तरह से आज मंगलवार को सुबह सुबह की एक घटना जो है वो इस वक्त देखने को मिला। इस वक्त फिलहाल मैं बता दूं कि आप लोगों को स्वामीनारायण मंदिर कैंपस में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रक जो है DN09Q9927 जो है ये गाड़ी की नंबर है, और ये जो गाड़ी देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं कि ऊपर रेती भरी हुई है जो कि किसी कारणवश सुबह नरोली रोड से सिलवासा की तरफ जा रही थी। अचानक सुबह 6:30 बजे के करीब ये जो दीवार की दुर्दशा आप देख रहे हैं और गाड़ी की खच्चे जो है वो यहाँ पर उड़ चुके हैं। आप नोटिस अगर करेंगे तो देखिए गाड़ी की जो आगे की बॉडी है वो पूरी तरह से दीवार से टकराया है। कहीं ना कहीं इतनी भारी मजबूत दीवार को जो है टकराने के बाद अगर आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो गाड़ी की हालत हुई है, कहीं ना कहीं चालक जो है वो अपनी गति को बहुत ही तीव्र गति से यहां से गुजर रहा होगा, जिसकी वजह से जिसके चलते यहां पर जो है इतनी भारी तरह से ये गाड़ी जो है दीवार से टकराई है। हालांकि इस विषय में जब हमने मंदिर प्रबंधन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इस चीज पर बात करने से मना कर दिया है, लेकिन ऐसे में उन्हीं के जो सौजन्य यहाँ के जो लोग थे उनसे पता चला है कि जो गाड़ी चालक है उसकी हाथ टूटी थी और उसे अचानक से किसी अस्पताल में ले जाया गया है। जैसा कि बीते दिनों भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें पिछले दिनों भी यहाँ पर लगातार जो है वो सड़क की दुर्घटना जो केसेस है वो यहाँ पर बढ़ रही थी। एक तरफ हमारी बाई तरफ अगर बात करेंगे तो शमशान नरोली की तरफ शमशान जाने वाला मार्ग है, और दूसरी तरफ सिलवासा के मुख्य मार्ग पर हम लोग खड़े हैं जो नरोली से सिलवासा की तरफ जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप गाड़ी की तीव्रता की जब हम बात कर रहे थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए बड़े बड़े बोर्ड जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया है उसको तोड़ते हुए, वृक्ष लगाए गए हैं उसे तोड़ते हुए जो गाड़ी है वो बड़ी तीव्रता के साथ जो है वो दीवार में किस तरह से टकराया। हालांकि इस वक्त यहाँ पर आसपास में देखने वाले की संख्या बहुत सारी बढ़ रही है जो देख रहे हैं कि आखिर कितनी तीव्रता के साथ ये जो गाड़ी है वो आकर दीवार में टकराई होगी। हालांकि इस विषय में जब आसपास के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया है कि इसमें किसी भी प्रकार की जानहानि की खबर हमें अब तक नहीं मिल पाई है, जो कि एक अच्छी संकेत है। लेकिन इसमें जो चालक चला रहे थे गाड़ी उनको पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त जरूर हुए हैं और उन्हें अच्छी खासी चोट लगी है। कैमरा पर्सन आशीष और इस्लाम के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ वाई अथाल।